नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आंधी तूफान से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, तेज हवाओं के साथ आए तूफान ने देखते ही देखते तबाही मचा दी। तेज तूफान से भैंसटा पुल के पास विधायक श्याम प्रकाश की विधायक निधि से लगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गेट उखड़कर वहीं गिर गया, जिससे करीब एक घंटे बाद नगरपालिका द्वारा जेसीबी मशीन से कड़ी मशक्कत से हटवाया गया। कई पेड़ उखड़ गए और मकानों के ऊपर पड़ी टीन शेड गिर गई। कुछ ही देर के तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सोमवार की सुबह अचानक आए तूफान आवागमन बाधित तो हुआ, उसके साथ ही कुछ ही पल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हरदोई पिहानी मार्ग पर भी रास्ते में कई पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित रहा, गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। इसके साथ ही क्षेत्र के ग्राम चंदेली के मजरा चक के किसान श्री कृष्ण की दो भैंस बरगद के पेड़ में बंधी थी। पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर एक भैंस मर गई तथा एक भैंस घायल हो गई। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने बताया कि भैंस के सिर पर चोट लगी थी, जिससे उसके मुंह और नाक से ब्लीडिंग हुई। दूसरी भैंस का उपचार चल रहा है। मृत भैंस का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। किसानों के अनुसार इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मास्टर रघुराज भदौरिया की टीन उड़ गई, गनीमत रही कि उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा भी क्षेत्र में तूफान से भारी नुकसान होने की आशंका है। पिहानी से संवाददाता सागर पांडे की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।